शिव मंदिरों में बाबा भोले के जयकारे लग रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज से मंदिर और शिवालयों का वातावरण भक्तिमय हो गया है। बाबा भोले के भक्त श्रद्धा और आस्था के फूल लेकर मंदिरों में शिवलिंग पर जल के साथ अर्पित कर रहे हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उसी तरीके से भोलेनाथ को मनाने में लगा है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करें। कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखें, शिवलिंग पर रोज सुबह जल और बेलपत्र अर्पित करें, दूध अर्पित करें और तांबे से तो बिल्कुल अर्पित ना करें। हर रोज सुबह शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव मंत्र का जाप करें, इसके बाद ही जलपान या फलाहार करें। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सावन का महीना इसके लिए सबसे उपयुक्त है। भोले के लाखों भक्त जल भर कर कंधे पर कांवर उठाकर भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए निकल पड़े हैं। ना तो किसी पीड़ा से शिकन है और ना ही राह में आने वाली किसी बाधा का भय, क्योंकि ये भोले की भक्ति की शक्ति है जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। बाबा भोले बहुत दयालु हैं, भक्तों पर बाबा की कृपा बनी रहती है। तो अगर कोई अविवाहित है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पा रही तो सावन के पावन महीने में वो शिव जी की उपासना करें, शिव जी की पूजा विधि में कुछ खास उपाय करें तो शीघ्र बनेगा विवाह का उत्तम योग। तो उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें, अब नमः शिवाय कहकर एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी से जल्दी ही विवाह की प्रार्थना करें। ये प्रयोग सावन के हर सोमवार को करें। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। सिर्फ अविवाहित लोगों की ही नहीं, जिन्हें सेहत को लेकर दिक्कतें हैं, भोलेनाथ उनकी भी सुनते हैं।